अमेरिका ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया को 121.5 मिलियन डॉलर का रिफंड करने को कहा है, जो भारतीय रुपयों में 985 करोड़ रुपए है। एयर इंडिया को ये रिफंड विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान विमानों के रद्द होने, शेड्यूल में बदलाव होने के कारण, यात्रियों को लौटाने के कारण करने को कहा है। इसके साथ ही रिफंड लौटाने में देरी के कारण एयरलाइन पर 1.4 मिलियन डॉलर, जो लगभग 11 करोड़ रुपए है, की पेनल्टी भी लगाई गई। यूएस के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को करीब 6 विमान कंपनियों को कुल 600 मिलियन डॉलर ग्राहकों को लौटाने को कहा है, जिसमें एयर इंडिया का भी नाम शामिल है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया का रिफंड ऑन रिक्वेस्ट यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की नीति के विपरीत है। अगर उड़ान के शेड्यूल में कोई बदलाव या फिर उड़ान को रद्द किया जाता है तो कानूनी तौर पर विमान कंपनी को रिफंड करना होता है। जाँच के मुताबिक यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में रिफंड के लिए दायर की गई 1900 से ज्यादा आवेदनों में से आधे से अधिक लोगों को पैसा वापस करने के लिए एयर इंडिया ने 100 दिन से अधिक समय लिया। इसके साथ ही कंपनी सभी आवेदनों को रिफंड वापस करने का सही समय भी नहीं बता पाई। जिन विमान कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने एयर इंडिया के साथ फ्रंटियर एयरलाइन को 222 मिलियन डॉलर का रिफंड और 2.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने को कहा है। वहीं टीपी पुर्तगाल पर 126.5 मिलियन डॉलर का रिफंड और 1.1 मिलियन डॉलर का जुर्माना, एवियांका पर 76.8 मिलियन डॉलर रिफंड और 750,000 डॉलर जुर्माना, ईआईई पर 61.9 मिलियन डॉलर रिफंड और 9 लाख डॉलर जुर्माना और एयरो मेक्सिको पर 13.6 मिलियन डॉलर का रिफंड और 90,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।